उदाहरण 13, 2 और 41 के बीच n पद है। 2 और 41 के बीच के चौथे व n ऋण 1 वे पदों का अनुपात 2:5 है, तो n का मान बताइए। हल, माना, मान लीजिए, मिटा, कौन सा था? 12 था सर। उसको 11 लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, देख लो आप। है ना, 11 लिखा हुआ था। वो 11 ये वाला होगा, देख लो आप। 11 लिखा हुआ था मेरे पे, बेटा से मेरे पे आधे। उदाहरण 13, 2 और 41 के बीच n पद है। 2 और 41 के बीच के चौथे व n ऋण 1 वे पदों का अनुपात 2:5 है, तो n का मान बताइए। हल, मान लीजिए, दो और 41 के बीच n पद A1, A2, A3, An है, तब 2 A1, A2, A3, An 41 समांतर श्रेणी में है। जिसका प्रथम पद A बराबर 2 और n धन 2 व पद 41 है। मान लीजिए श्रेणी का सर्वांतर d है, तब n धन 2 व पद बराबर हमें 41 दिया है। उसी तरह से हम चूंकि जानते हैं कि एनवा पद ए एन बराबर होता है ए धन एन ऋण 1 कोष्टक के बाहर डी, तो ए के का मान जो है हमारा 2 है, धन एन का मान जो है एन धन 2 जिसे हम बार कोष्टक में लिखेंगे, ऋण 1 कोष्टक बंद डी बराबर 41, या 2 धन बार कोष्टक को खोलेंगे तो एन 2 में से 1 गया तो धन 1 कोष्टक बंद डी बराबर 41, या एन धन 1 गुणा डी बराबर 41 ऋण 2, 2 का पक्षांतर कर लिए हमने। इस तरह से d बराबर 41 में 2 गया तो 39 बटा n धन 1, d का मान आया 39 बटा n धन 1। प्रश्न अनुसार श्रेणी का चौथा पद A4 बटा श्रेणी का एनवा पद ए एन ऋण 1 बराबर 2:5 हमें हमारे पास दिया है, तो चौथा पद जो है हमारा ए धन 4d है बटा एनवा पद जो है वो ए धन एन ऋण 1 गुणा डी हो जाएगा बराबर 2:5। अब जब हम इसका त्रिज्या गुणा करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा 5a धन 5 चौक 20d बराबर 2a धन 2 कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बन d, या 5a 2a का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2a बराबर 2 n ऋण 1 कोष्टक बन d, और 20d का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 20d। आगे देखते हैं, हमें प्राप्त हुआ था 5a ऋण 2a बराबर 2 कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बन d ऋण 20d। 5a ऋण 2a बराबर 3a बराबर कोष्टक को हम खोलेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2n ऋण 2d ऋण 20d, या 3a बराबर दोनों पदों में से उभयनिष्ठ d को हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2n ऋण 2 2n ऋण 2 ऋण 20 और कोष्टक बंद उभयनिष्ठ हमने d निकाला, या 3a बराबर 2n और ऋण 22 कोष्टक बन d। चूंकि a का मान हमने हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे a, a के स्थान पे कोष्टक में 2 लिखेंगे बराबर 2n ऋण 22, और d का मान हमने ज्ञात किया था 39 बटा n धन 1 कोष्टक बन a और d का मान, हमने a और d का मान यहाँ पे रखने पर हमें प्राप्त हुआ। अब इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, और ये तिर्यक गुणा से n धन 1 ये आ जाएगा बाएं पक्ष में बराबर ये आपका 39 और कोष्टक में 2n ऋण 22। इस तरह से कोष्टक खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6n धन 6 बराबर 39 गुणा 2n बराबर 78n ऋण 39 को जब हम 22 से गुणा करें तो 858, या जब हम यहाँ पे 6 हम लिख लेंगे और ऋण 858 का पक्षांतर करें धन 858 बराबर 78n और 6n का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6n, या इन दोनों का योग हम जब करेंगे तो 864 बराबर 78n में 6n गया तो 72n, या n बराबर हमें प्राप्त होगा 864 बटा 72, या जब 864 को 72 से हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है n बराबर 12। तो हमने इस तरह से ज्ञात किया कि n का मान 12 है, यह इस उदाहरण का हल होगा।